नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने भास्कराचार्य महान गणितज्ञ एवं अंतरिक्ष वैज्ञानिक चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम भास्कराचार्य से संबंधित जो बैक साइड के क्वेश्चन हैं उनके आंसर, उन प्रश्नों के उत्तर मैं लिखकर लाई हूँ, जो आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है सही तरीके से और आंसर को लर्न करना है। भास्कराचार्य चैप्टर का पेज नंबर 88 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, तीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, उसे आप लोगों को खुद करना है। मैंने नंबर 2 और नंबर 3 का आंसर लिखा हुआ है, जो मैं आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। पहला, नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, भास्कराचार्य कौन थे? भास्कराचार्य भारत के महान गणितज्ञ और अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। वर्तमान में पढ़ाए जाने वाले गणित के अधिकतर नियमों की खोज भास्कराचार्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर ख, पृथ्वी किसकी शक्ति के बल पर वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? आंसर, पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के बल से सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण हर वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। क्वेश्चन नंबर ग, भास्कराचार्य ने शून्य के बारे में कौन सी महत्वपूर्ण खोज की है? भास्कराचार्य ने शून्य के बारे में महत्वपूर्ण खोज करते हुए यह बताया है कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने अथवा घटाने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ, भास्कराचार्य अपनी खोज को कहाँ लिखते थे? भास्कराचार्य अपनी खोज को पुस्तक में लिखते थे। क्वेश्चन नंबर अंग, किन खोजों के कारण भास्कराचार्य का नाम अमर रहेगा? गणित एवं अंतरिक्ष संबंधी खोजों के कारण भास्कराचार्य का नाम सदा अमर रहेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क, भास्कराचार्य ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में क्या लिखा? भास्कराचार्य ने पृथ्वी के बारे में लिखते हुए यह बताया है कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के बल के कारण ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। क्वेश्चन नंबर ख, भास्कराचार्य ने किन कठिनाइयों का सामना करते हुए महत्वपूर्ण खोजें की हैं? भास्कराचार्य ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए महत्वपूर्ण खोजें की हैं। उनके पास आधुनिक दूरबीन नहीं थी, बांस की नलिका की सहायता से ग्रह नक्षत्रों को देखते थे, ग्रहों की खोज में रात रात भर जागते थे और दिन भर उनकी गणना करते थे। क्वेश्चन नंबर ग, भास्कराचार्य के दो विशेष गुण कौन कौन से थे? आंसर, भास्कराचार्य में दो विशेष गुण थे, बहुत मेहनती थे वे तथा उनमें बहुत उत्साह था, जिससे वे हार को भी जीत में बदल देते थे। क्वेश्चन नंबर घ, भास्कराचार्य के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? आंसर, भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ थे। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मेहनत करके ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैंने पढ़ के भी बताए हैं। आप लोग अच्छी तरह से लर्न कीजिए, कॉपी में इसको ठीक तरीके से लिखिए और लिखकर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए सबको नमो शिवाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई भी करें।